नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, केक खाना आपको पसंद है और आपके बच्चों को? जी हाँ, केक खाना किसे पसंद नहीं है, छोटे बड़े सभी को केक खाना पसंद है, स्पेशली चॉकलेट का केक। लेकिन यदि आपको बेकिंग करनी नहीं आती है या किसी कारण से आप बेकिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तब भी आपको केक खाना है, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। आज हम बिना बेक किए चॉकलेट केक बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। इसे चॉकलेट से बनाकर आप बच्चों को, बड़ों को पार्टीज में सर्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार से इजी नो बेक चॉकलेट केक को बनाना। इस नो बेक चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट सिरप बनाएंगे, जिसे आप चॉकलेट सॉस भी कह सकते हैं। इसके लिए हमने एक कप पानी को एक पैन में डाल दिया है। साथ ही में हम यहाँ पर आधा कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर, एक कप चीनी लेंगे। चीनी को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। साथ ही 75 ग्राम हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अभी यहाँ पर गैस को ऑन नहीं किया है, गैस ऑफ है। सबसे पहले हम सब चीज़ों को मिलाएंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और हम यहाँ पर इसे कंटिन्यूस हिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि हमें यहाँ पर एक ये चॉकलेट सॉस के फॉर्म में ना मिल जाए। फ्रेंड्स, यदि आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप मार्केट का बना बनाया चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में घर का बना हुआ चॉकलेट सिरप तैयार हो चुका है। इसे अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में हम इसे वनीला एसेंस डालेंगे, जिससे और भी खुशबूदार और बढ़िया हो जाएगा। यदि कभी आपको इंस्टेंट कभी घर पर चॉकलेट सॉस नहीं हो तो इस तरह से बनाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये आधा किलो डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, इसे मैं हाथों से रफली क्रश कर लूँगी। हमें इन्हें बहुत ही धीरे से क्रश करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत जल्दी से क्रश हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं मोटे मोटे टुकड़ों में हाथों से क्रश कर लेना है। अब हम इसमें जो चॉकलेट सॉस हमने बनाया था उसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम आज यहाँ पर बिना बेक किए हुए चॉकलेट केक बनाएंगे, जो कि हम बिस्किट से बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और जब भी घर में सडन कोई आपको प्रोग्राम हो, पार्टी हो, तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और इजीली ये बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इस चॉकलेट सॉस को इस बिस्किट में अच्छे से कोट कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से हमारा कोट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ये स्प्रिंग फॉर्म का केक टिन ले रही हूँ। यदि आपके पास ये ना हो तो हम नॉर्मल केक टिन भी ले सकते हैं, पर इसमें केक को डिमोल्ड करना काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल केक टिन भी ले सकते हैं और इसके चारों ओर आप कोई प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि जब इसे हम डिमोल्ड करें तो ईजिली डिमोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस स्प्रिंग फॉर्म टिन में ये जो तैयार बिस्किट और चॉकलेट सॉस का मिक्सचर है इसे डाल देंगे। ये सब थोड़ा डालें फिर प्रेस करें, थोड़ा डालें फिर प्रेस करें, क्योंकि एक साथ डालने पर ये अच्छे से प्रेस नहीं होगा और बीच में जगह रह जाएगी, जो कि हम जब केक को कट करेंगे तो अच्छे से कट नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे दबाते जाएंगे और फ्लैटन करते जाएंगे ताकि हमारे बिस्किट अच्छे से इसमें सेट हो जाए और एक केक का शेप ले ले। तो इस तरह से हम आसानी से घर पर नो बेक चॉकलेट केक इजीली बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है ये, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। इसे आप तुरंत बना सकते हैं। यदि आपके पास डाइजेस्टिव बिस्किट भी नहीं है तो कोई भी नॉर्मल बिस्किट्स ले सकते हैं, पर ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे यहाँ डाइजेस्टिव बिस्किट का यूज़ किया है और ये थोड़े थिक भी होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको केक को अच्छे से यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड करके फ्लैटन कर दिया। इसे हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। जब तक केक फ्रिज में है हम यहाँ पर चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 60 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम ली है, जो कि अमूल फ्रेश क्रीम है, और साथ ही में हम इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। आप इसे गैस पर भी बबल्स आने तक गर्म कर सकते हैं। अब इस गर्म की हुई क्रीम में हम 60 ग्राम चॉकलेट डाल देंगे। यदि आपके पास में ये चॉकलेट ना मिले तो आप डेरी मिल्क वाली चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट्स का ध्यान रखें, यदि आप परफेक्ट मेजरमेंट्स लेंगे तो ये केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख दें। 5 मिनट के बाद में जो हमने क्रीम गर्म की थी उससे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास में स्मूथ एंड सिल्की गनाश तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और चॉकलेटी गनाश बनता है, बहुत ही बढ़िया इससे केक का लुक भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने ये चॉकलेट गनाश बना लिया है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एंड सिल्की बना है। तो अब हमने जो केक को फ्रिज में रखा था उसे बाहर निकाल लें और उसके ऊपर जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था उसे इस तरह से डालकर पोर करेंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से चम्मच से इसे आप इवनली स्प्रेड कर दें और हमारा ये केक बहुत ही बढ़िया और अच्छे से तैयार हो गया है। इसे इवनली अच्छे से स्प्रेड करने के लिए एक से दो बार इसे टैप करें ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी और ये खूबसूरत भी लगेगा। अब हम इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, आप चाहे तो 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इसे आप फ्रिज से बाहर निकालें और इसे इस तरह से ओपन करें। ओपन करने से आप देख सकते हैं ये
खुल गया है और खुलने से ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। स्प्रिंग फॉर्म केक टिन की यही खासियत है कि इस तरह के केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस केक को डीमोल्ड कर लिया है और ये केक खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे कटे हुए जो वॉलनट्स हैं और साथ ही पिस्ता के साथ गार्निश करूँगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो, स्प्रिंकल्स, चॉकलेट स्प्रिंकल्स, या फिर इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। यदि आप पार्टी से हो, फ्रेंड्स के साथ किटी है, या फिर आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से इन्हें डेकोरेट करें। ऐसा करने से ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसकी खूबसूरती से इसे खाने का और भी मन करता है। और वॉलनट्स बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है केक के लिए, तो इन्हें आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और बच्चों को इन्हें बनाकर टी टाइम स्नैक में, या फिर बच्चों की पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, तो ज़रूर बनाएं ताकि वे इसे खुश और मज़े लेकर खाएं। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से यह नो बेक चॉकलेट केक बना लिया है। वॉलनट्स के बाद में हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते की कतरन डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बिना उसे डाले भी आप इन्जॉय कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत हमारा ये केक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। कट करने से ही आपको पता लग रहा है कि कितना बढ़िया हमारा केक बना है। बहुत ही बढ़िया कि हमारा केक सेट हुआ है। इस तरह से जब भी आपका मन चाहे इसे आप बनाकर एंजॉय करें, और जब बचा हुआ केक है उसे ढक कर फ्रिज में रखें और 2 से 3 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स में बच्चों का फेवरेट नो बेक चॉकलेट केक बना लिया है, जिसे आपको किसी को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के इजी केक्स की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की रेसिपीज़ घर पर इजीली बना सकें और बच्चों फैमिली के साथ में इसे एंजॉय कर सकें। थैंक यू।